माय चैनल, मेरा नाम बादशाह शशि पांडे और आप देख रहे हैं बादशाह ब्लॉग चैनल को। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर नाम गाँव श्री चितेश्वर नाथ बाबा के मंदिर पे, जो कि चितौनी में है, बलिया में। तो वहीं आज हम लोग जा रहे हैं, सोचे कि बाबा का दर्शन भी हो जाए, और बहुत नाम सुने थे। तो मैं अभी रास्ते में हूँ, घर से निकला तो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन रास्ते में आया तो प्रोग्राम हुआ। तो आप लोगों को भी सोचे बता दे आप लोगों को भी कि जा रहे हैं। और ये है मेरी स्कूटी, और ये है मेरा भाई आशुतोष पांडे, जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, ये वीडियो बनाने में मेरी मदद करेगा। तो चलिए गाइस, आप लोगों को भी ले चलता हूँ बाबा के मंदिर पे, और दिखाता हूँ बाबा के मंदिर को, और वहाँ पे कुछ पोखरे टाइप में भी है, उसको भी दिखाता हूँ। बहुत ही नाम है उसका, आज मैं सुना कहीं देखा भी, और बहुत दिन से सोच रहा था जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आज ले चलते हैं आप लोगों को भी और दिखाते हैं। और सो गाइज, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और मेरा वीडियो आप लोग सबसे पहले देख सके। तो भाई हेलो बोल दो। हेलो। तो चलिए चलते हैं। लोगों को मैंने मंदिर दिखाया और यहाँ के पुजारी बाबा, तो देखिए एक घंटे पर लिखा है, तो ये बाबा बता रहे हैं कि बहुत पुराना, 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है, और बता रहे हैं घंटा पे लिखा हुआ है। तो चलिए गाइस, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ ये मंदिर कब का बना हुआ है। तो चलिए ले चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा भाई चढ़ा है, बता रहा है अभी आप लोगों को। और जहाँ तक ये पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये अपने से आया है, अपने से यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, खोज के निकाला गया है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है, 1676 का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। पहले का मंदिर होगा ना, कब का लगा है, 73 का घंटा लगा है, 1673 इसमें लिखा है, मैंने ये घंटा लगा है उस समय का, इसके पहले का मंदिर है। बता रहे हैं 1673 का ये घंटा लगा हुआ है, जो कि इससे 2-3 साल पहले का मंदिर है ये। होगा, हो सकता है, जैसे ये बोल बता रहे हैं कि वो है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, कब का ये मंदिर है, लोगों को जैसे मैंने मंदिर को दिखाया, वैसे ही अब आए हैं। आप लोगों को बताया भी थे कि पीछे तालाब है इस साइड में, तो चलिए आप लोगों को तालाब पहले चलता हूँ और दिखाता हूँ। गोल्डन फिश यहाँ पे है, इनको गोल्डन फिश बोलते हैं, गोल्डन फिश है, जो कि गोल्डन कलर में, सुनहरे कलर में, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल एकदम नज़ारा है। और ये तालाब है आप लोगों का, देखिए वहाँ पे भाई है, तो चलिए ले चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन फिश से देखिए, गोल्डन कलर में एकदम पूरी दे रहा है भाई, तो ऊपर आ रहा है वो। आप लोगों को बैक कैमरा से मैं दिखा रहा हूँ, अभी बने रहे वीडियो।
भाई इधर आ, इधर दो। देख सकते हैं गाइस आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। पकड़ो गाइस एक को, पकड़ो तो पकड़ा रहे हैं। दो दो एक नहीं है, बहुत सारे एक को पकड़ो तो बहुत सारे हाथ फाइनली गाइस। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि चलिए आप लोगों को चित्रेश्वरनाथ मंदिर पे लिए चलता हूँ और बाबा के स्थान को दिखाता हूँ, तो स्थान को दिखाया और इस वीडियो में आप लोगों को ये गोल्डन फिश को दिखाया। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो लास्ट में आप लोग देख सकते हैं मछलियों को। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।